अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। बात पेश करता हूँ, आइए हाजरीन अगले शायर के हुजूर इन अशार के जरिए मैं जाना चाहता हूँ और आपकी मुलाकात फिर एक नौजवान शायर से मैं कराना चाहता हूँ कि ताल्लुक को निभाना चाहिए था, किसी सूरत भी आना चाहिए था। ताल्लुक को निभाना चाहिए था, किसी सूरत भी आना चाहिए था। मेरी हालत पे तुम भी रो रहे हो, तुम्हें तो मुस्कुराना चाहिए था। मेरी हालत पे तुम भी रो रहे हो, तुम्हें तो मुस्कुराना चाहिए था। हाजरीन, जिसकी गजलों में अल्फाज हंसते और मुस्कुराते मिलते हैं, एक ऐसे शायर से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। मेरी मुराद जनाबे अजमल आरिफ आजमी से है। पुरजोर तालियों में इस नौजवान शायर का इस्तकबाल करें। मौजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहली दफ़ा आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। दानिश भाई का फ़ोन आया मेरे पास, पूछने लगे क्या इस वक्त आप मुंबई में हैं। मैंने कहा जी मैं मुंबई में हूँ। तो कहने लगे कि एक प्रोग्राम है, उसमें आपको शिरकत करनी है। फिर उन्होंने सवाल किया कि आपकी क्या पेमेंट है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि ये मेरा अपना घर है, ये अपने मेरे अपने इलाके के लोग हैं, और जब मैं अपने घर में कोई मुशायरा पढ़ता हूँ तो पेमेंट नहीं लेता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला, मुझे मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला मुझे किस बुलंदी तक ले जाएगा, मुझे मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला मुझे किस बुलंदी तक ले जाएगा। मैं एक जर्रा हूँ, हो सकता है कि इंशाअल्लाह ताला कल एक आफ्ताब हो जाऊँ। लेकिन आप लोगों से एक वादा करता हूँ कि जहां भी साकी नाका का नाम आ जाएगा वहां अजमल आरिफ आजमी मुशायरा फ्री पढ़ेगा। पूरी जिंदगी मुशायरा मैं पूरी करूंगा। आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है कि दोस्तों, जब भी मैं आऊं आप लोगों से रूबरू हूं तो इज्जत से नवाज देना, और कभी मेरे मरने की खबर मिल जाए तो दुआएं कर देना। अगर मौका रहे तो मेरी कब्र पे जाकर दो मुट्ठी मिट्टी डाल देना, वही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। आइए दोस्तों, अभी हाल ही में मैं दुबई गया था। मेरी ढाई तीन साल की बेटी है, तो मैंने जो महसूस किया उसको कहने की कोशिश की है। इमरान भाई, अमातन गोश कि पेट की आग लिए धान तक आ जाती है। क्या बात है। पेट की आग लिए धान तक आ जाती है, एक चिड़िया है जो खलियान तक आ जाती है। आहा, वाह वाह, क्या बात है, वाह। वक्त बहुत कम है। पेट की आग लिए धान तक आ जाती है, वाह। एक चिड़िया है जो खलियान तक आ जाती है, और जब कोई नाम मेरा लेता है बेटी मुझको, ढूंढते ढूंढते दालान तक आए है। आए है, क्या बात है, वाह वाह। शुक्रिया दोस्तों। पेट की आग लिए धान तक आ जाती है, जय भाई। पेट की आग लिए धान तक आ जाती है, एक चिड़िया है जो खलियान तक आ जाती है, और जब कोई नाम मेरा लेता है बेटी मुझको, ढूंढते ढूंढते दालान तक आ जाती है। और शेर देखिएगा कि ख्वाब आंखों के मुकम्मल भी नहीं हो पाते, ख्वाब आंखों के मुकम्मल भी नहीं हो पाते, जिंदगी इत्र से लोबान तक आ जाती है। क्या बात है, क्या अच्छा शेर है। ख्वाब आंखों के मुकम्मल भी नहीं हो पाते, वाह अजमल साहब, वाह, जिंदगी इत्र से लोबान तक आ जाती है। मैं चाहता हूँ इस शेर के लिए आप एक जरा पुरजोर तालियां अजमल आरिफ साहब के लिए बजाएं। बहुत अच्छा शेर है, वाह। ख्वाब आंखों के मुकम्मल भी नहीं हो पाते, आहा हा हा,
जिंदगी इत्र से लोभान तक आ जाती है। क्या बात है। और भीख में मांगा हुआ प्यार या हमदर्दी हो, भीख में मांगा हुआ प्यार या हमदर्दी हो, चीज कोई भी हो एहसान तक आ जाती है। क्या बात, वाह वाह वाह। भीख में, शुक्रिया दोस्तों, भीख में मांगा हुआ प्यार या हमदर्दी हो, आहा हा, शुक्रिया, क्या बात है, वाह। भीख में मांगा हुआ प्यार या हमदर्दी हो, चीज कोई भी हो एहसान तक आ जाती है। और हिचकियां हिचकियां अब तो सताती हैं लगातार मुझे, अब तेरी याद मेरी जान तक आ जाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। हिचकियां अब तो सताती हैं लगातार मुझे, वाह, अब तेरी याद मेरी जान तक आ जाती है। आइए दोस्तों, एक मतलब दो तीन शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा कि अभी हाल ही में क्या हुआ। आजमगढ़ में एक हादसा हुआ कि एक ही घर की तीन बेटी का इंतकाल हो गया। किसी तरीके से वो तालाब में गिर गई और उनका इंतकाल हो गया। तो वहां से मैंने एक मतलब दो तीन शेर कहने की कोशिश की है। एक बाप का दर्द बयान किया है कि मतलब यूं है कि जो अब तक कह नहीं पाया अभी वो बात बाकी है। जो अब तक कह नहीं पाया अभी वो बात बाकी है। मेरी आंखों से आंसू की अभी बरसात बाकी है। मेरी आंखों से आंसू की अभी बरसात बाकी है। और जनाजा लेके मत जाओ, मेरी बेटी को रहने दो। मेरी बेटी के हिस्से की अभी बारात बाकी है। वाह वाह, क्या कहें, क्या कहें, वाह वाह वाह। जो अब तक कह नहीं पाया अभी वो बात बाकी है। मेरी आंखों से आंसू की अभी बरसात बाकी है। और जनाजा लेके मत जाओ, मेरी बेटी को रहने दो। मेरी बेटी के हिस्से की अभी बारात बाकी है। और अभी जलते हुए घर का बस एक मंजर दिखाया है। जरा ठहरो मियां, पूरा अभी गुजरात बाकी है। वाह वाह वाह, क्या कहें। अभी जलते हुए घर का बस एक मंजर दिखाया है। जरा ठहरो मियां, पूरा अभी गुजरात बाकी है। और तेरे घर के निवालों में कहां से आएगी बरकत। तेरे हिस्से की रोटी की अभी खैरात बाकी है। क्या बात, वाह। तेरे घर के निवालों में कहां से आएगी बरकत। तेरे हिस्से की रोटी की अभी खैरात बाकी है। जो अब तक कह नहीं पाया अभी वो बात बाकी है। मेरी आंखों से आंसू की अभी बरसात बाकी है। और जनाजा लेके मत जाओ, मेरी बेटी को रहने दो। मेरी बेटी का हिस्से की अभी बारात बाकी है। आखिरी एक मतलब दो तीन शेर पढ़ के ज्यादा चाहूंगा कि गूंगा बोल पड़ता है ये गूंगी बोल पड़ती है। ये गूंगा बोल पड़ता है ये गूंगी बोल पड़ती है। हमारे लौट आने से ये बस्ती बोल पड़ती है। हमारे लौट आने से ये बस्ती बोल पड़ती है। हमारे लौट आने से ये बस्ती बोल पड़ती है। और यही इनाम है मेरी वफादारी का, जब कोई मुझे गद्दार कहता है तो मिट्टी बोल पड़ती है। क्या बात है अजमल साहब, वाह 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 वाह। ये गूंगा बोल पड़ता है ये गूंगी बोल पड़ती है। हमारे लौट आने से ये बस्ती बोल पड़ती है। और यही इनाम है मेरी वफादारी का, जब कोई मुझे गद्दार कहता है तो मिट्टी बोल पड़ती है। और ताल्लुक ताल्लुक अब तलक इनका समझ आया नहीं मुझको, मैं उर्दू को बुलाता हूँ तो हिंदी बोल पड़ती है। क्या बात है, वाह, शुक्रिया दोस्तों। ताल्लुक, शुक्रिया दोस्तों। ताल्लुक अब तलक इनका समझ आया नहीं मुझको, मैं उर्दू को बुलाता हूँ तो हिंदी बोल पड़ती है। और हमें सजरा बताने की कभी नौबत नहीं आती, सरे महफिल हमारे सर की पगड़ी बोल पड़ती क्या है। बात, वाह। हमें सजरा बताने की कभी नौबत नहीं आती, सरे महफिल हमारे सर की पगड़ी बोल पड़ती है। और आखिरी शेर बेटी के हवाले से, उम्र से बड़ा ये शेर हो गया है कि वो क्या दिन थे कि बेटी के वो क्या दिन थे कि बेटी के मुंह पर दौड़ पड़ता था। वो क्या दिन थे कि बेटी के मैं ऊपर दौड़ पड़ता था।
ये क्या दिन है मेरी आहट पे बेटी बोल पड़ती है। शुक्रिया दोस्त, वाह शुक्रिया। हाजरीन ये थे अजमल आरिफ आजमी साहब जो बहुत खूबसूरत अशार से नवाज रहे थे। बेटी के हवाले से बहुत सारे अशार उन्होंने आप तक पहुंचाए, तो मुझको बैठे बैठे मालेगांव के शायर फरहान दिल के अशार याद आ गए कि पहुंचकर घर में दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा, मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही उठ के खोलती है रोज दरवाजा। मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही उठ के खोलती है रोज दरवाजा। यकीनन बेटी एक खूबसूरत एहसास का नाम है जिसे अजमल आरिफ आजमी साहब अशार के जरिए उस एहसास को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और वो अपने अशार आप तक पहुंचाने में कामयाब भी रहे। मैं बे इंतहा मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाजरीन आइए अब एक ऐसे लहजे एक ऐसे शायर के हुजूर में आपको ले जाना चाहता हूँ कि खामोश हूँ तो कहते हो कहता नहीं हूँ मैं, खामोश हूँ तो कहते हो कहता नहीं हूं मैं, कहने लगूं तो बोलोगे अच्छा नहीं हूं मैं, मुझको खरीद ले तेरी औकात ही कहां, जैसा समझ रहा है तू वैसा नहीं हूं मैं। हाजरीन इस वक्त मैं